लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ और अपडेट्स पाने के लिए क्रिकेट फॉर एशिया को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फॉर एशिया। दोस्तों आज बात करेंगे विटेलिटी प्लस 2018 के बारे में। तो दोस्तों आज यॉर्कशायर वर्सेज लैंकेशायर लाइटनिंग के दरमियान मुकाबला खेला गया है। तो दोस्तों यॉर्कशायर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और यॉर्कशायर ने एक जबरदस्त टोटल बना दिया है विटेलिटी प्लस 2018 में। 181 रन बना दी 20 ओवर में। यकीनन दोस्तों एक अच्छा टोटल था ये। और अफगानिस्तान के ज़ाहिर खान आज फिर से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश की, आज फिर से छा गए, जिसने 4 ओवर में 45 रन देकर दो बड़े खिलाड़ी को आउट किया। यकीनन ज़ाहिर खान ने बड़े स्कोर दिए हैं, लेकिन उसके साथ ज़ाहिर खान ने दो विकेट्स भी लिए हैं। दोस्तों ज़ाहिर खान ने आज एक ज़बरदस्त प्लेयर को आउट किया, एक की बैट्समैन को पवीलियन बीच है केन विलियमसन को एक रन में आउट कर दिया। दोस्तों केन विलियमसन आज सिर्फ एक रन आकर ज़ाहिर खान के गेंदबाजी पर क्लीन बोल्ड हुए। यकीनन एक बहुत बड़ी विकेट उस टाइम गिर गई थी यॉर्कशायर की टीम के लिए। इस तरह दोस्तों लैंकेशायर ने ये मैच एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते, यानी 185 रन बना दिए 17 ओवर में, जिसके 4 खिलाड़ी आउट हुए। यकीनन दोस्तों ये एक बहुत बड़े मार्जिन से ये मैच लैंकेशायर लाइटनिंग की टीम जीत गए, यानी ये मैच 7 विकेटों से जीत गए। लैंकेशायर लाइटनिंग की टीम में के आर ब्राउन 051 रन बनाकर रन आउट हुए। उसने अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया और दोस्तों ज़ाहिर खान आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश की, यानी ज़ाहिर खान ने अब तक 2 मैचों में 4 विकेट्स लिए हैं। यकीनन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हर मैच में पेश किए। पिछले मैच में भी ज़ाहिर खान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश किए थे और इस मैच में भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, एक बहुत की बैट्समैन को भी आउट कर दिया केन विलियमसन। इस तरह दोस्तों अफगानिस्तान के फैंस और सपोर्टर बहुत खुश होंगे, क्योंकि दोस्तों ज़ाहिर खान का ये दूसरा मैच है कि वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देता रहा है। तो दोस्तों ये ज़रूरी खबर आपको बतानी थी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह लेटेस्ट अपडेट आप लोग के लिए पहुंचा दें। खुदा हाफिज़।